वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके कुछ लीव फॉर्म होता है जो हम रेलवे एम्प्लॉई अप्लाई करने से पहले फिलअप करते हैं। ये हम हमेशा भर के हम अपने इंचार्ज को सौंप देते हैं, वो चाहे तो फिर एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिग्रेट करते हैं। जो पहला लीव है जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है स्टडी लीव। अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं कि हमें पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो हमें स्टडी लीव मिल जाएगी क्या? जी, उसका मैं आपको आंसर देता हूँ। पहले इसका समझ लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है स्टडी लीव लेने का। तो जो भी ये लीव अप्लाई करना चाहते हैं उनका 5 साल रेलवे में सर्विस होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा आपका रिटायरमेंट सर्विस बचा होना चाहिए और 3 साल का बॉन्ड भरना पड़ता है इसमें। तो अभी इसमें बात करते हैं, ये जो स्टडी लीव का पर्पज़ ये है कि ये जो लीव लेने के बाद जो पढ़ाई करोगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि सेल्फ इंटरेस्ट में। मतलब पढ़ाई करके जो आप हायर स्टडीज़ हासिल करोगे, आप वापस आओगे रेलवे में, तो उससे रेलवे को बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना कुछ CGL की तैयारी कर रहे हो या UPSC एग्ज़ाम की तैयारी करोगे या फिर कोई MBA या फिर दूसरा कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, जो तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। तो उस हिसाब से आपको, इसलिए आपको छुट्टी कभी नहीं मिलेगी ये स्टडी लीव, कि आपका खुद का उसमें पर्सनल अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है। तो फिर ये मिलता किसे? तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स रहते हैं खासकर, ये उन्हें मिलता है। और ऐसा कोई भी प्रोफेशन, मतलब ऐसा कोई भी काम जो आप अपना एक्सपर्टीज़ हासिल करोगे हायर स्टडीज़ लेके और जब वापस आओगे तो उसमें रेलवे को फ़ायदा है, उसी स्टडीज़ के लिए आपको स्टडी लीव मिलेगा। तो ये मिलता कितना है? ये 12 महीने तक मिलता है, मैक्स टू मैक्स ये 24 महीने तक मिलता है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उन्हें 36 मंथ्स तक स्टडी लीव मिलता है हायर अथॉरिटी से सैंक्शन कराने के बाद ऑब्वियसली, और इसमें सैलरी आपको फुल मिलती है। अगला है लीव ऑन एवरेज पे, जिसे हम कॉमनली APL भी कहते हैं। तो इसका ये जो पर्पस है इसका, जो पर्सनल यूज़ के लिए हम लेते हैं, जैसे घर में शादी है, कहीं घूमने जाना है या हम गांव जा रहे हैं या घर पे कुछ काम है, तो इस हिसाब से हम ये छुट्टी अप्लाई करते हैं। दूसरा नंबर ऑफ डेज ये आपको 30 मिलता है साल में, 2 इंस्टॉलमेंट में, 1 जनवरी में और 1 जुलाई में। अगर कोई बीच में ज्वाइन करता है तो कैलकुलेट पर मंथ के हिसाब से होता है, 2.5 पर मंथ आपको मिलता है। और ये मैक्सिमम आप 300 तक एक्यूमेट कर सकते हो। मान लीजिए किसी का रिटायरमेंट तक अगर दिसंबर में किसी भी महीने के 300 APL उसका जमा हो जाता है और अगले महीने 1 जनवरी से फिर से 15 APL मिल जाएगा उसे, तो इसको 1 जुलाई के तक इसको जो 300+15 जो बैलेंस है 15 जो ख़त्म करना होगा, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। और ये मैक्सिमम 120 दिन का मिलता है, और अगर आप किसी बाहर कई देश के जा रहे हो तो मैक्सिमम आपको 180 दिन तक ये मिलता है ये छुट्टी। हालांकि उसका रीज़न बहुत ही ठोस होना चाहिए, तब जाके ये लीव इतने दिनों के लिए सैंक्शन होगा। अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर शादी के लिए, खुद की शादी के लिए कितना दिन की छुट्टी मिलती है और कौन सा छुट्टी अप्लाई करना पड़ता है? तो आपको यही छुट्टी अप्लाई करना पड़ेगा। शादी के लिए आपको छुट्टी मिल जाती है, टेंशन मत लीजिए। आप होगा इसको 15-20-25 दिन मिलना चाहिए तो आप पहले से बता दीजिए, तो ये मिल जाना चाहिए। एक्चुअली मैंने खुद की शादी के लिए 25 दिन छुट्टी अप्लाई किया था, तो मेरे जो इंचार्ज थे फिर उन्होंने, जो इमीडिएट ऑफिसर है हमारा, उनके पास भेजा था। अगर इंचार्ज राजी है तो फिर ऑफिसर को भी प्रॉब्लम नहीं रहता है छुट्टी सैंक्शन करने में। लीव ऑन हाफ एवरेज पे, जिसे कॉमनली सिक लीव भी कहा जाता है। तो ये इसका जो पर्पस है, जो इसके नाम से समझ में आता है, कि जब आप बीमार हो तब ये लीव अप्लाई करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे आप बीमार हो, तो जब हम रेलवे हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को अगर लगता है कि ये काम अभी करने में असमर्थ है, तो कुछ दिनों के लिए वो फिर उसे सिक में रख देते हैं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट बनाते हैं, फिर वो रिपोर्ट अपने को, अपने इंचार्ज को देना रहता है, तो कि इतने से इतने दिन में नहीं आ पाऊँगा करके। तो कोई भी इंचार्ज इसको डिनाई नहीं कर सकता अगर एक बार डॉक्टर ने लिख दिया है। तो इसे कहते हैं सिक लीव। और इसका जो नंबर ऑफ डेज की बात करें, तो ये साल में हमें 20 मिलता है 2 इंस्टॉलमेंट में, 1 जनवरी में 10, 1 जुलाई में 10। और इसका जो मैक्सिमम एक्यूमुलेट कर सकते हो वो है अनलिमिटेड। आप अपने रिटायरमेंट तक कितना भी आप सेव कर सकते हो, इसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसका कोई बेनिफिट इस तरीके से फाइनेंशियल बेनिफिट डायरेक्टली नहीं है कि इतना बचा है आपने तो इसका रिटायरमेंट में इसके बदले आपको इतना पैसा मिल जाएगा, जैसे LIP में मिल जाता था लीव ऑन एवरेज पे। और एक बात, ये अपने बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, डॉक्टर के, हम प्राइवेट से भी करा सकते हैं, लेकिन उसका सीमा है 3 दिन। 3 दिन के लिए आप अपने घर के पास जो भी प्राइवेट डॉक्टर है, अगर आप बीमार हो तो उनसे भी सर्टिफिकेट लेके आप अपने इंचार्ज को दे सकते हैं, तो वो भी एक काउंट हो जाएगा। और एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आपके पास मान लीजिए लीव ऑन एवरेज पे नहीं है या दूसरी छुट्टी,
तो अब अपने इंचार्ज को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे को जो छुट्टी अभी जो लेने वाला हूँ वो प्लीज़ लीव ऑन हाफ एवरेज पे, जो सिक लीव मैं बता रहा हूँ इसमें से काटिए, तो वो अगर चाहे तो ये भी सैंक्शन कर सकते हैं। अगला है कैजुअल लीव CL। इसका जो पर्पस है, जब हमें कोई इमरजेंसी आ जाता है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि हमें अभी छुट्टी चाहिए चाहिए, तो वो तभी आप कैजुअल लीव का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर ऑफ डेज आपको जो है इसका साल में आपको 10 मिलता है, लेकिन जो हेडक्वार्टर्स और वर्कशॉप में जो काम करते हैं या ऐसे जो भी ऑफिस जहाँ पे NH के दिन ऑफिस बंद रहता है, वहाँ पे ये उनको सिर्फ 8 मिलता है, 8 CL मिलता है जो इन प्लेसेस में काम करते हैं। और इसका एक खास बात ये है कि साल के एंड में CL लैप्स हो जाता है, तो आपको आपके साल के अंदर ही ख़त्म ही करना रहता है। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो पहुँचे। इसके बाद है स्पेशल लीव। जो स्पेशल लीव है ये रेलवे की तरफ से दिया जाता है, ये कोई भी अकाउंट से डेबिट नहीं होता है। तो ये किस लिए दिया जाता है, कोई जो खास पर्पस रहता है रेलवे में, रेलवे से रिलेटेड काम, तब ये दिया जाता है कर्मचारियों को। जैसे कोई भी जो यूनियन में जो एक्टिव मेंबर्स है, जो यूनियन का हिस्सा है, वो जब यूनियन की मीटिंग रहती है तब स्पेशल CL दिया जाता है। ऐसा कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है रेलवे की तरफ से, तो वहाँ पे भी ये होता है। फिर ब्लड डोनेशन कैंप और कोई कल्चर एक्टिविटी ऑडिटोरियम में, इस तरीके से जो भी रेलवे से जुड़ा हुआ कोई काम रहता है तब आपको स्पेशल CL लीव भी मिलता है। और एक इसमें ऐसा है, अगर ऑपरेशन भी है किसी का, मतलब चाइल्ड बर्थ कंट्रोल, अगर उसमें भी ये स्पेशल CL मिलता है। और अगर हस्बैंड है तो अलग छुट्टियां हैं, और अगर वाइफ है तो उसमें अलग छुट्टियां हैं। तो इस प्रकार जो कुछ खास मौके पर ये स्पेशल CL लीव मिलता है। अगला है लीव नॉट ड्यू। ये इसका जो पर्पस है, जब रेलवे कर्मचारी के खाते में कोई बैलेंस नहीं है लीव का और उसे जब छुट्टी चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये उसको छुट्टी दी जाती है। और ये छुट्टी उसके LHAP अकाउंट से कटती है जब उसको फ्यूचर में मिलने वाली होती है, तो उस हिसाब से ये इन्हें लीव सैंक्शन किया जाता है। मैक्सिमम ये 360 दिन तक दिया जा सकता है और 90 डेज एट ए टाइम। अगला है EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसे कॉमनली लीव विदाउट पे भी कहते हैं। तो इसका पर्पस क्या, ये कब मिलता है, जब इम्प्लॉय के खाते में कोई लीव बैलेंस बचा ना हो तब, इसके अलावा, या इम्प्लॉय खुद राइटिंग में लिख के दे कि अपने इंचार्ज हो कि मुझे ये छुट्टी चाहिए, तब ये छुट्टी मिलता है। नंबर ऑफ डेज की बात करें तो अगर आपका कोई हेल्थ कंडीशन है तो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आपको 3 महीने तक ये मिल सकता है। अगर आपको हेल्थ कंडीशन है लेकिन आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है रेलवे डॉक्टर का, तो 6 महीने तक मिल सकता है। ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, लेप्रोसी एंड TB, तो उसमें आपको 18 महीने तक मिल सकता है। और आपको हायर स्टडीज़ करनी है तो उस हिसाब से आपको 24 महीने तक मिलता है। लेकिन फिर वही बात हायर स्टडीज़ की, कि आपको 3 ईयर का बॉन्ड चाहिए इसमें और विथ 2 श्योरिटीज़, और स्टडीज़ भी पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। और आपको जैसे पता है लीव विदाउट पे, तो इस जो आप ये छुट्टी अप्लाई करोगे तो आपकी इसमें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। एक बात, जब कोई रेलवे एम्प्लॉय छुट्टी में जाता है, छुट्टी सैंक्शन के बियॉन्ड भी वो एब्सेंट हो जाता है, तो वो जो एब्सेंस का जो पीरियड रहता है उसमें भी ये EOL लगता है। और अगर आपका जो रीज़न जेन्युइन नहीं हुआ या फिर सेटिस्फाई नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। और जो भी आप एब्सेंट रहते हो उसका सर्विस में काउंट नहीं होता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक कमेंट में क्वेश्चन आते हैं कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम EOL ले सकते हैं क्या। देखिए, अगर आपका इंचार्ज अगर चाहे तो दे सकता है, अगर स्टाफ पोजीशन नॉर्मल है और कुछ पोजीशन मतलब एक्यूट नहीं है, तो आपको आप छुट्टी अप्लाई कर सकते हो। आप EOL भी रहे चाहे LHAP या फिर LAP। अब बात करते हैं पैटर्निटी लीव के बारे में। जब कोई मेल कैंडिडेट पिता बनता है तो उसे 15 दिन का पैटर्निटी लीव रेलवे की तरफ से मिलता है, ये कोई अकाउंट से डेबिट नहीं होता है। और ये 2 चाइल्ड तक पैटर्निटी मिलेगा, मतलब 15 पहले बच्चे के लिए, फिर दूसरा जब बच्चा होगा उसके लिए 15 छुट्टी अलग से मिलेगा। और इसमें ये कंडीशन ये है कि बच्चा होने के 6 महीने के अंदर आपको ये पैटर्निटी लीव लेना कंपलसरी है, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ने पर आप ये पैटर्निटी लीव किसी और लीव के साथ LAP, जैसे कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपको, आपकी वाइफ को, तो आप ये एक्सटेंड कर सकते हो। और इस लीव के दौरान आपको फुल सैलरी मिलेगी। अगला है मैटरनिटी लीव। जो भी महिला कर्मचारी है जब वो माँ बनती है तो उन्हें 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता है, और ऐसा 2 बार मुमकिन है क्योंकि 2 बच्चे तक रेलवे सपोर्ट करती है। अगर किसी महिला कर्मचारी को मिस कैरेज हो जाता है तो उसका 45 डेज का उन्हें लीव मिलता है।
एंड और इसमें और बताऊं तो अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन है किसी मलय कर्मचारी को, तो बच्चा होने के बाद, बच्चा होने का तो 6 महीने का छुट्टी मिलता ही है, साथ में आप 2 महीने का एक्स्ट्रा लीव नॉट ड्यू भी लगा सकते हो, जो कि आपका LHEP अकाउंट से डिडक्ट होगा। इसके अलावा आप 2 साल तक EOL जो होता है, लीव विदाउट पे, वो भी आप लगा सकते हो। तो ये सब कुछ है इसमें अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाने पर। और जो मैटरनिटी लीव जो आप खास लेते हो उसमें आपको फुल सैलरी मिलती है। अगला इसी से जुड़ा हुआ है चाइल्ड केयर लीव। तो चाइल्ड केयर लीव जो है, जो फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज़ है खासकर उन्हीं के लिए है, और वो मेल एम्प्लॉयज़ जो सिंगल पेरेंट है उन्हें ये लीव मिलता है अपने बच्चे का लालन पोषण के लिए, अगर कोई बीमार है या कोई पढ़ाई के लिए या फिर उनका ध्यान रखने के लिए ये छुट्टी मिलती है, जब तक कि 2 बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते। लेकिन अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे डिसेबल है तो उस सिचुएशन में उनके जो बच्चों का एज बढ़ाकर 22 साल तक कर दिया जाता है। तो इसमें मैक्सिमम आपको जो छुट्टियां हैं 730 डेज का मिलेगा। तो ये महीने साल में आप 3 बार ही ले सकते हो, कम से कम 15 दिन आपको लेना ही है। अगला इसी से जुड़ा हुआ लीव है चाइल्ड एडॉप्शन लीव। चाइल्ड एडॉप्शन लीव जैसा मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव रहता है जितना उतना छुट्टी मिलता है, यहाँ पे भी एम्प्लॉयज को उतना छुट्टी मिलेगा, डिपेंड्स ऑन देयर जेंडर। इसमें कुछ कंडीशंस है, बच्चा 1 साल के अंदर होना चाहिए, दूसरा आपके पास 2 से कम बच्चे होने चाहिए, अगर आपके पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं तो 3रा बच्चा आप एडॉप्ट करते हो तो इस सिचुएशन में आपको लीव नहीं मिलेगा। ये लीव लेने के लिए आपके पास कोई मेडिकल प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है एडॉप्शन के वो होने चाहिए, और इसमें मैक्स टू मैक्स आपको 1 साल तक की आपको छुट्टी मिलेगी। अगला लीव के बारे में बात करें कमिटेड लीव। कमिटेड का मतलब ये होता है आधे को पूरा करना। ये जब हम, इसका पर्पस रहता है कि अगर कोई बीमार है और मेडिकल सर्टिफिकेट के बिहाफ पे इसे छुट्टी चाहिए तब ये हम छुट्टी लेते हैं। मान लीजिए किसी ने प्राइवेट मेडिकल सिक अप्लाई किया है 3 दिन के लिए, तो ये उसके जो LHEP है उस अकाउंट से 6 दिन कट जाएगा। तो इसमें सैलरी आपको फुल मिलेगी और ये मैक्सिमम आप 180 डेज तक ले सकते हो। अगला लीव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा, वर्क रिलेटेड इंजरी एंड इलनेस लीव। इसे पहले हॉस्पिटल लीव या स्पेशल डिसेबिलिटी लीव के नाम से जाना जाता था, अभी इसको चेंज कर दिया गया है। तो इसका पर्पस क्या, किसे मिलता है? जो भी रेलवे कर्मचारी काम करते दौरान बीमार या इंजर्ड हो जाता है खासकर, तब उन्हें ये लीव दिया जाता है। और जब वो इंजर्ड हो जाते हैं तो जब आपने सुना होगा IOD रहता है, इंजर्ड ऑन ड्यूटी, तो फिर उन्हें अगर कुछ ऐसा इंजरी हो जाता है फिर उनको जाहिर सी बात है रेलवे हॉस्पिटल भेजते हैं। तो इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर वो हॉस्पिटल में रहते हैं तो जब तक भी हॉस्पिटल में रहते हैं उन्हें फुल सैलरी मिलेगी और ये लीव किसी भी अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, ये रेलवे की तरफ से ही रहेगा। जब तक वो हॉस्पिटल में रहेंगे वो फुल सैलरी रहेगी। हॉस्पिटल के बाहर जब वो रहते हैं आउटडोर में फिर भी, लेकिन अभी भी काम करने में असमर्थ है, तब उन्हें 1 साल तक उन्हें फुल सैलरी मिलेगी। 1 साल के बाद भी अगर उनका कंडीशन वैसा ही है तब उन्हें फिर आधी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर रेलवे एम्प्लॉय चाहे तो वो फुल सैलरी ले सकता है अपने LHEP अकाउंट से लीव डेबिट करा के, जो कि सिकनेस लीव है। अगला जो पॉइंट है लीव एनकैशमेंट। इस लीव एनकैशमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी छुट्टियां रेलवे को बेच सकते हो और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि आपका जो लीव ऑन एवरेज पे है, जो अब आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हो जिसमें आपको फुल सैलरी मिलती है, तो मान लीजिए किसी को अगर बेचना है तो ये आप रेलवे को बेच सकते हो up to 60 days, अगर और 10 days एट ए टाइम। अगर आपने आज 10 अपना APL बेच दिया है तो फिर 2 साल बाद ही आप अपना अगला 10 APL बेच सकते हो। ऐसा आप मैक्सिमम 60 days तक कर सकते हो। और जब भी आप ऐसा अप्लाई करोगे, मैंने आपके आपका जो बैलेंस मिनिमम 30 balance होना चाहिए तभी आप बेच सकते हो। ये जनरली करते कौन है, जो कि जो सीनियर लोग रहते हैं, जो रिटायरमेंट तक पहुँच जाते हैं, उनका जिसका बेसिक करीब 1 लाख के पास पहुँच जाता है, उनको ये बेचने में फ़ायदा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताऊं। कन्वर्शन ऑफ लीव, मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉय ने दिसंबर में छुट्टी लिया है LAP, और जब छुट्टी से वापस आता है तो रियलाइज करता है यार मेरा तो CL बाकी रह गया, जो कि लैप्स हो जाता है अगर दिसंबर तक नहीं लिया तो विद इन 1 month आपको ये आप अप्लाई कर सकते हो कि साहब अपने इंचार्ज को कि जो मैंने LAP लिया था उसे CL में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इंचार्ज चाहे तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। दूसरा, रिकॉल नाम का एक शब्द है। अगर कोई भी जो रेलवे एम्प्लॉय का लीव सैंक्शन हो जाता है तो सैंक्शन लीव में भी आपको वापस बुला सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो इसमें आपको जब बुला सकते हैं तो फिर इसमें रेलवे कर्मचारी की क्या राइट्स है? तो जैसे कि जो भी आपका जो नज़दीकी स्टेशन रहेगा वहाँ पर जाके आपको ड्यूटी पास लेना है। ड्यूटी पास
के लिए ड्यूटी पास, क्योंकि उसे माना जाएगा जब भी रिकॉल कर लिया जाता है अगर तभी से उन्हें ऑन ड्यूटी माना जाता है। और आपको ये जो रेलवे एम्प्लॉय है वो टीए के एलिजिबल होगा, अगर अगर रनिंग स्टाफ है तो माइलेज के लिए भी एलिजिबल होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि छुट्टी में से बुलाने पर आपको जब आपकी जब रिटर्न जाना शुरू कर दो तभी से आप ऑन ड्यूटी माने जाते हो। और एक महत्वपूर्ण बात, जितनी भी सारी छुट्टियाँ हैं ये आपका राइट नहीं है, ये फैसिलिटी है रेलवे की तरफ से। दोस्तों आपको आप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पे गया दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पे दिया गया आप ये वीडियो भी देख सकते हो।